और सुनाओ बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। आंटी वो मशरूफियात इतनी है कि चक्कर नहीं लगा। पाम ने तो कहीं मर्तबा का है। चलो अच्छा किया। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं आंटी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम तो ऐसे तकल्लुफ कर रहे हो जैसे पहली बार आए हो। फिरदौस, दो कप कॉफी तैयार करो। बड़ा अफसोस हुआ बेटा, सुना तुम्हारी मंगनी टूट गई। आंटी शायद मैं लड़की वालों को पसंद नहीं आया। अच्छे खासे लड़के हो, हमें तो बहुत अच्छे लगते हो। फिर भी कोई तो वजह होगी। वो एक्चुअली आंटी हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई, तो इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन। भाई बड़े नाशुक्रे लोग हैं आजकल के। देखो भाई, जरा जरा सी बात पर रिश्ते ठुकरा देते हैं। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। एनीवेज, उनकी तरफ की बात सुनो तो कुछ और ही निकलेगी। काम कहाँ पे आंटी, फोन भी नहीं उठा रहा। बस वो भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी तरह मसरूफ रहता है। फिर दोस्तों कॉफी बना रही होगी, मैं खुद देख कर आती हूँ। तुम बैठो। ओ हेलो, कौन है आप? ये क्या तरीका है? आप कौन है? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं इस घर की फर्द हूं। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है कि आप कोई चोर हो। लगते तो आप हैं। जहां तक मुझे पता है आम की तो एक ही बहन है और वो भी शादीशुदा। तो फिर आप कौन है? अच्छा, तो प्रोफेशनल चोर हैं आप, पूरे घर की मालूमात लेकर आए हैं। एक्सक्यूज मी, उजैर बेटा, फहाम आ रहा है। अरे मैं तो तारुफ ही करवाना भूल गई। सबा ये उजैर हैं, फहाम के दोस्त, बल्कि बेस्ट बडी। और उजैर ये सबा है, मेरी बहन की बेटी।